चबी ऑलमोस्ट देयर, वो लाइट जब आती है तो पता नहीं चलता है, ऐसा लगता है कि वर्तिका का ट्विन खड़ा है बाजू में। अच्छा, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सौम्या, जो कि कोरियोग्राफर थी डीआईडी सुपर मॉम के सीजन में, उन्होंने इस शो को क्यों लीव किया। तो गाइस, जैसे तो सौम्या के इस शो को छोड़ने के दो मेन रीजन जो है, उसमें से जो पहला रीजन है वो ये कि डीआईडी सुपर मॉम में जो मॉम थी वर्षा, वो चाहती थी कि वो वर्तिका झा के साथ परफॉर्म करे। वो है वर्तिका झा की पॉपुलैरिटी। वर्तिका झा आज के टाइम में इतनी ज्यादा पॉपुलर है कि उनके सिर्फ आने से किसी भी शो की टीआरपी काफी ज्यादा बूस्ट हो जाती है, क्योंकि उनका डांसिंग करने का जो तरीका है वो लोगों को काफी पसंद आता है और उनके काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग भी है। इसके वजह से वर्तिका झा को इस शो का पार्ट बनाना चाहते थे इस शो के मेकर, और इसके वजह से वर्तिका झा ने इस शो में एंट्री ली और सौम्या ने इस शो से एग्जिट लिया। तो मेरे ओपिनियन में यही वो दो मेन रीजन है जिसके वजह से सौम्या ने इस शो से लीव लिया और वर्तिका झा ने इस शो में एंट्री ली। और वर्तिका झा कितनी अच्छी डांसर है, इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो आप इस वाले वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो।